Can you see the screen? I can see. Yes. ये थोड़ा बड़ा लग रहा है फुटर, अभी ठीक है, आई कैन सी दिस। स्वागत है नॉल एरियंस के मंच पे, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम प्रेम प्रकाश पाठक, मेरे मित्र भी हैं। और उन्होंने बाय ट्रेनिंग ही इज अ पॉलीमर केमिस्ट, और साथ ही साथ उन्होंने पीएचडी जो है सीडीआरआई से किया, और अभी वर्तमान में एज अ पेटेंट प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और वो जो पुस्तक है उसका नाम है द गोल्डन एक्स, अ पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशनल इकोसिस्टम। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसमें हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाठक से, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं, इन्वेंटर हैं और पेटेंट प्रोफेशनल भी हैं। और जो फोकस ऑफ द टॉक है एजुकेशन है, और चर्चा होगी संभावनाओं के बीच एक परिचर्चा व्यापक तर्कसंगत शिक्षा के आयाम पर। तो डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं एजुकेशनल सिस्टम पे, क्या क्या सुधार हो सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से में तो कुछ परिवर्तन आएंगे ही, लेकिन हम एज अ मतलब ये जो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द स्टूडेंट, उन पे जो इनका कार्य है और इनके द्वारा जो सुझाया गया मॉडल है उस पे बातचीत होगी। तो इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूं प्रेम को कि वो अपना वक्तव्य रखें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है ये बुक जो है, इट डिस्कसेस अ मॉडल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल। जो मैंने कहा आपको कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है और स्टूडेंट के बीच कैसा एक सिस्टम हो, उस पे ये बुक बात करती है। बात करती है कि अगर अगर आप मशीन में इंटेलिजेंस दे देंगे, व्हेन इंटेलिजेंस इज बीइंग एम्बेडेड इन मशीन, व्हाट शुड स्टूडेंट लर्न इन स्कूल, क्या उनको सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, स्कूल में क्या चीज होनी चाहिए, कैसे हम विद्यार्थियों को एक एक्सेलरेटेड एक्सपीरियंशियल नॉलेज दे सकते हैं, उस पर इनकी किताब चर्चा करती है। और फिर उस पे कुछ बातें जो आध्यात्मिक और जो एक 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 ऐसे व्यक्तित्व, पूरे जो हॉलिस्टिक व्यक्तित्व का सृजन करे, उस पे भी बातें होती हैं। तो स्वागत है आपका प्रेम आज के परिचर्चा पे संभावनाओं के बीच। और इससे पहले कि आमंत्रित करूं मैं आपको, मैं एक कोट पढ़ना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा, कि एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैन, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो शिक्षा है आविष्कार उस अंतर चेतना का, जो अस्तित्व में हमारे सदैव विद्यमान, जो होंगे रूबरू उस प्रकाश पुंज से, वो क्षण विशेष में हो जाएगा आत्मज्ञान, फिर होंगे समदृष्टा, जीवन धन्यवाद है, स्वयं को जानना ही महाप्रसाद। इसके साथ ही स्वागत है प्रेम, आगे की परिचर्चा को आप बढ़ाएं और बताएं अपनी इस पुस्तक के बारे में। धन्यवाद रंजीत। रंजीत हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम उनसे बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हमेशा करते रहते हैं। और ये जो हमने बुक लिखा था, ये बुक लिखने का समय और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से जो गाइडलाइंस आए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो दोनों एक समय पे हो गए, तो जी कोइंसिडेंट हो गए। वो जी ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सालों से इस पे काम कर रही थी, बहुत सारे सर्वे हुए थे एंड बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों के साथ उनका व्यूज हुआ था, जी पर वो सब जानकारी हम लोग को ऐसे पब्लिक में नहीं थी। हम लोग तो जब मेरा बुक निकल के आया तो बहुत लोग के सवाल उठ खड़े हुए थे कि आपने इसमें नया क्या किया इसमें। जी तो मैं भी सोचने लगा कि ये अगर बुक एक साल पहले लिखा होता तो ये बुक पूरी नहीं होती,
तो ये सवाल मतलब पैदा नहीं होता कि आपने नया क्या किया है। तो इसमें कुछ कभी कभी ज्यादा मेरा यह मानना है कि कुछ नए करने की आवश्यकता नहीं है, पुराने सोच को नए ढंग से भी रखना नया करने ही जैसा है। जी, तो हमने तो बुक लिख चुके थे पहले ही, हमने सारा जी उसका बैकग्राउंड वर्क सारा तैयार हो चुका था, जी लेकिन हमने देखा कि बुक में कुछ ऐसा चीज है जो कभी भी उसमें मिस हुआ है, मतलब एजुकेशन पॉलिसी। जी तो हमने सीबीएसई के कुछ गाइडलाइंस देखे, हमने एजुकेशन पॉलिसी गाइडलाइन देखे, जी और हमने देखा कि कुछ पॉइंट जो हमने बुक में जैसे मॉडल हमने डिस्कस किया है वो जी थोड़ा अधिक एलेबोरेट करने की जरूरत है। जी तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? जी हाँ बिल्कुल, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, 1 मिनट। हाँ कर सकते हैं आप स्क्रीन शेयर प्लीज। क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी, तो रंजीत, जैसे कि हम ये एजुकेशन इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो आई वाज लाइक टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इकोसिस्टम। तो जी। जनरली हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो पहला है ये ES1, एजुकेशन इकोसिस्टम 1, उसमें जी स्टूडेंट एंड टीचर रहते हैं, पर जी अभी जो है जैसे कि पेरेंट्स का रोल आ गया, फिर जो है सेंट्रलाइज होने की वजह से MHRD का रोल आ गई है, बाद जी में धीरे धीरे बढ़ के वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी काफ़ी एंट्री कर ली, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि तो पहले उतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ नहीं करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा कोचिंग और ट्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं थे इतना जी मात्रा में, मतलब जी बच्चे स्कूल में पढ़ के आते थे, टीचर से वो सफिशेंट हुआ करता था, और गवर्नमेंट का रोल था, बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेदांतु है, बायजू है, जी और बहुत सारे आ गए हैं, और उसके जी बाद में जो है छोटे बच्चों के भी जैसे एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइडर्स भी आ गए हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद भी जो ये एजुकेशन इकोसिस्टम जो 5 है, उसमें जो है गवर्नमेंट ने एक्सेलरेटर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस टॉपिक को भी डिस्कस किया है। तो जैसे मैं सीबीएसई के सिलेबस को देख रहा था, तो उसमें एक्सेलरेटर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के पर बहुत, हमने एक बुक भी निकाली है, पब रिलीज किया है, जो बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। उसमें लोग बच्चों को इनहैंड एक्सपीरियंस और कराना, लेकिन मेरा जो एक बात ये थी कि जैसे कि नंबर 2 पॉइंट जो था वो भी उसमें कवर हुआ था, जी इंटर स्कूल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई ने क्या तैयार कर रही है कि जो एक स्कूल है उसके आसपास में जो कुछ स्कूल्स रहेंगे, उन स्कूल्स को भी जो है कनेक्ट करने की और बात कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चे आसपास में इंटरेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उस स्कूल में क्या पढ़ाई होती है। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि जब मैंने बुक लिखा था उस टाइम रिलीज नहीं हुई थी, पर मेरा जी थॉट और जो गवर्नमेंट का थॉट दोनों यहाँ पे मैच करता है। जी दूसरे जो पॉइंट है, जो तीन पॉइंट है, इंटरेक्शन विद वर्किंग प्रोफेशनल। तो ये जो पॉइंट था, व्हाट आई सी कि दिस इज लैकिंग स्किल, वो स्किल मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट ने कवर नहीं किया है, जी इंटरेक्शन विद द वर्किंग प्रोफेशनल। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि क्यों नहीं कर रहा है, या फिर जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल अगर अगर ये टीचिंग में अगर हेल्प करना चाहे तो कैसे हेल्प कर सकता है? क्या उसको जॉब छोड़ के टीचिंग जाना चाहिए उसको, कि वो जॉब में रहते रहते ही स्कूल में जाकर पढ़ा सकता है? तो जी जैसे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत लोग पढ़ाए करते हैं, हमारे जैसे हम भी उसके पार्ट थे अपनी कंपनी में, तो हमें काम था कि स्कूल में जा करके बच्चों का सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना, उनको हम अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे, उनका जो जी सिलेबस है उसको ही कंप्लीट कराना। और जब टीचर से बात करते थे तो उनका रिक्वेस्ट रहता था कि सर हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया है, ये 2 चैप्टर बचे हुए हैं, आप उसको कवर कर दीजिए। तो अगेन इट बॉयल्स डाउन ओनली टू द कोर्स कंटेंट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल, ये वर्किंग प्रोफेशनल का जो प्रोफेशनलिज्म है उसका इंट्रोडक्शन वहाँ नहीं देखने मिलता है, वो ही इज नॉट शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस, बट ही इज जस्ट फुलफिलिंग अ टास्क ऑफ अनदर टीचर। तो जी ये था, तो मेरा फोकस जो है मॉडल इसी पे था, इंट्रोडक्शन विद वर्किंग प्रोफेशनल। तो जैसे कि मैं नेक्स्ट अगर दिखाता हूँ, तो जो मैंने सर्वे किया था उसमें कुछ मैंने 20 क्वेश्चन पूछे थे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ कवर्ड हैं।
ये फिगर नंबर तो मेरे बुक के हिसाब से है, तो इसलिए आप ऐसे दिया हुआ है। सो टोटल 350 लोगों ने सभी में भाग लिया था, और मैंने पूछा था कि आई फील दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड विलेजेस शुड हैव फैसिलिटी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट फ्रॉम एमिनेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू बिल्कुल फैसिलिटेट नॉलेज ट्रांसफर। दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर स्टूडेंट फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। बिल्कुल तो जैसे सीबीएसई ने जो जो कदम उठाया है, जो बात कर रहे हैं, वो आसपास के स्कूल की बात कर रहे हैं, पर वो आसपास के सीबीएसई मीडियम के स्कूल की बात कर रहे हैं कि जो आसपास में छोटे स्कूल हैं उनको भी कवर करेंगे। और वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब बच्चों, क्या वो बच्चे सीबीएसई स्कूल में आके गेम खेल सकेंगे क्या? मतलब जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं उनका गेम की फैसिलिटी नहीं होती है, जी लैब जी अच्छे नहीं होते, तो क्या वो सीबीएसई के स्कूल जहाँ में क्या अच्छा लैब्स होते हैं, अच्छे प्लेग्राउंड होते हैं, तो वहाँ आके खेल सकेंगे क्या? किस तरह से हो गया उसका अभी आइडिया नहीं है, हमें मॉडल भी आया नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो जी नहीं जी मिला। लेकिन एक जो मैंने क्वेश्चन पूछा तो इसमें काफी लोग एग्री कर रहे हैं कि जो स्मॉल स्कूल के जो बच्चे हैं और विलेज के बच्चे हैं उनको बड़े स्कूल से बच्चे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। अब ये इंटरेक्शन किस तरह से हो सकता है, अभी जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो दीज आर नॉट ए परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस। सो व्हाट आई फील कि देयर शुड बी अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ में कि वो इंटरेक्ट कर सके, मतलब कि वो जान सके कि बाकी स्कूल में बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि हम जब डिग्री में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें हमें जानकारी रहती थी कि बाकी स्कूल में क्या क्या चीज़ पढ़ाई हो रही है, क्योंकि जी सभी लोग एक ही यूनिवर्सिटी के थे और सभी लोग एक ही यूनिवर्सिटी से कम्पीट भी करते थे। लेकिन तो हम लोग अपना नोट शेयर करते थे कभी कभी, हमारे दोस्ती थी, पर जी वो थोड़ा मैच्योर लेवल में था, हम कर पाते थे, पर ऐसा कुछ मॉडल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता मॉडल जिसमें कि देख सकें कि दूसरे स्कूल के बच्चे क्या पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सिलेबस सेम है, सीबीएसई मीडियम है या आईसीएसई बोर्ड है, तो जी जाहिर है कि बुक एक ही है, एक ही तरह किताब पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी टीचर चेंज होने से, माहौल चेंज होने से चीज़ें बदल बदल जाती है ना? बिल्कुल तो थोड़ा सा अगर इंट्रेक्शन बढ़ाया जाए, उनकी मुलाकात हो, बातचीत करे थोड़ा, तो वो अच्छा रहेगा। और खास करके जो स्कूल, जो गांव के स्कूल से, उनमें बहुत फैसिलिटी कम रहती है। एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पाया गया कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाने का मौका दिया जाए, है ना, अपने अपने कलीग्स को, तो एक तो होती है कि जो कलीग्स भी अच्छा पढ़ते हैं और बच्चे का भी नॉलेज ज़्यादा एनहांस होता है, तो हाँ, जो क्या पीयर टू हम, पीयर है कि मतलब जो आपके साथ पढ़ते हैं हाँ वो एक जी दूसरे जी को पढ़ा रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही जी, जी तो पीयर टू पीयर लर्निंग काफी अच्छे ट्रांसफर होती है। तो जी क्या जो एडवांस स्कूल के बच्चे हैं, जो थोड़े ज्यादा फैसिलिटी वाले हैं, उनको जी कभी ऐसा मौका दिया जाए कि वो जाके पढ़ा सके, मतलब दूसरे स्कूल में? तो जी उस तरह से अभी मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता, कौन पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, क्या करेंगे, है ना, बिल्कुल क्या पूरा बिल्कुल सिलेबस पढ़ाएगा कि केवल मोटिवेट करेगा उन जाकर के, मतलब एक दो क्लास किया, थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा पढ़ा के आया, उनके बच्चों ने इंटरेक्ट किया, देखा कि अच्छा वो तो बहुत अच्छे जानते हैं, हमको जी सीखना चाहिए, तो कैसे करेंगे वो हमको डिसाइड करना है। दूसरा जो एक ये जो मॉडल हमने तैयार किया था, इसमें जो देखिए तीन डायमेंशन है, एक है कि स्किल लर्निंग लेवल, दूसरा है नॉलेज एक्सचेंज एंड वर्किंग प्रोफेशनल इंटरेक्शन, ये तीन डायमेंशन लेकर देखा हमने। तो जी इस तीन डायमेंशन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एट मतलब मिडिल डायमेंशन हो जाते हैं इसे करने के, है ना, कि जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल का इंटरेक्शन कम है, स्किल लर्निंग भी लो है, नॉलेज एक्सचेंज भी लो है, एक ये हो जी गया लोएस्ट जी वाला। तो जी दिस इज आई कॉल एज ए सोशलाइजेशन, मतलब कि वो केवल सोशलाइजेशन लेवल का ही है, जिसमें कि बच्चे ने केवल जाके पूछा उनसे आप कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं। और दूसरा है कि स्किल लर्निंग लेवल भी हाई हो जाए, नॉलेज एक्सचेंज भी हाई हो जाए एंड वर्किंग प्रोफेशनल का इंटरेक्शन भी हाई हो जाए। तो दिस इज लाइक ए वेरी कोलाबरेटिव मोड, मतलब जिसमें कि हम एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल पे एक ऑन द जॉब टास्क दिया करने के लिए, जी एंड दे डू द टास्क एंड दे लर्न एग्जैक्टली मतलब थोड़ा हाउ द सा स्किल्स जिसको हम लोग शुड कहते बी। हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसको मतलब कोई रियल लाइफ सिचुएशन वाला सवाल देके उसको काम करने का मौका। जी, तो ऐसा तो अभी बहुत चल रहा है सर, वो भी जैसे जी कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज के जो भी कोर्स करते हैं, अभी भी जी देखते हैं यूडेमी में या कोर्सेरा में कोर्स करते हैं, तो दे जी कॉल इट ए कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स जी एंड जी दे गिव यू रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द वर्क। जी पर उस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो है हमारे अभी उतना प्रचलित नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम।
जी ना। अभी सीबीसी ने जो है, हम तो सीबीसी मीडियम के, इसलिए हमको ज्यादा पता है उसके बारे में। जी इसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, जो क्वेश्चन हैं, जो आंसर्स हैं, जी वो उसमें काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं, उसके आंसर काफी प्रैक्टिकल निकाले जाते हैं। तो जी दैट इज लाइक गिविंग सम एक्सपीरियंसेस। पर मेरा कहना ये था कि वर्किंग प्रोफेशनल का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ाने से क्या होगा लाभ, कि जी बच्चों को बहुत सारे डायमेंशन के बारे में मालूम चलेगा, उनको क्या क्या बिल्कुल वर्क विभिन्न है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में एक इंजीनियरिंग और मेडिकल, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिफेंस या फिर आईएएस ऑफिसर ऐसा रहता है, पर जी वो लिमिटेड आयाम ही रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका खुला दिमाग रहता नहीं है। तो ये कैसा है कि हमने जो है क्लास 9, 10, 12 तक पढ़ाई करी, और उसके बाद में हमें आईआईटी के एग्जाम के लिए बैठे और सक्सेस हो गए, ठीक है, पर सक्सेस नहीं हुए तो हम चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, एंड देन वी बिल्कुल लुक लेफ्ट देन राइट एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। यस पेरेंट्स भी काफ़ी हताश हो जाते हैं, बच्चे भी हताश हो जाते हैं, अरे तुम बहुत गालियाँ सुनने मिलती है, तुम तो बेकार हो गए, किसी काम के नहीं, अपने फ्यूचर में क्या करोगे, तो चलो जी ग्रेजुएशन कर लो, लॉ कर लो। पर लॉ भी अगर कोई करने जाता है तो हमारे दिमाग में जो रहती है, जब हम छोटे थे तो लॉ मतलब क्या होता है, चोर के साथ झगड़ा करना, मतलब झूठ को सच बनाना, बस यही आइडिया था। जी लेकिन जब हम अभी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हम देखते हैं कि लॉ जो है, कॉर्पोरेट लॉ होती है, लेबर लॉ होता है, सिविल बिल्कुल है, क्रिमिनल बिल्कुल लॉ है, पेटेंट लॉ हाँ है, आईपीआर है, कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, और हमारे जो, हमारे जॉब में जो है काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन होती है लॉ का। जी इतना रेस्पेक्टेबल पोजीशन होती है कि सारा प्रोजेक्ट रुक जाता है अगर लॉयर से अगर हाँ या ना एग्जैक्टली नहीं मिलता आपने तो। सही कहा तो बिल्कुल बाद में क्या था, बहुत सारे लोग मैंने देखा पीएचडी करने के बाद लॉ करते हैं, जी एंड तो हमको जानकारी नहीं थी। तो अगर हमें, मेरा आइडिया ऐसा है कि अगर एक बच्चे को क्लास 8, 9 से 10, 11, 12 करके, अगर उनको हर साल जो है उनका करियर जो भी चूज करें, इट डजेंट मैटर, मतलब बाद में वो इंजीनियर बने, आईआईटी में जाएं या फिर एम्स के डॉक्टर बने, डजेंट मैटर, बट उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की जानकारी तो होनी चाहिए उनको, मतलब है ना। बिल्कुल जैसे कि भले ही मैं अपना ट्रेवल प्लान करता हूँ फ्लाइट से, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बस से जाना है, कार से जा सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ, अभी तो लॉकडाउन में साइकिल से चले गए, हजार हजार किलोमीटर साइकिल से लोगों ने कवर कर लिया बिल्कुल बिल्कुल सही ना, कहा तो साइकिल जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ऐसा नहीं मुझे आइडिया नहीं, मुझे मुझे आइडिया है। तो अगर इनकेस अगर मेरा फ्लाइट डिले होती है या फ्लाइट मेरा मिस होता है, मैं इमीडिएट एक तत्काल टिकट बुक कर सकता हूँ, मुझे एजेंट का नंबर पता होना चाहिए, किससे बुक कराऊंगा, कैसे बुक कराऊंगा, टीटी से कैसे कैसे हम काम करा सकते हैं, वो सारे आइडिया हमें पता हो, दैट इज द गुड ऑप्शन, यहाँ पास में रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बात कि बिल्कुल सही फ्लाइट, है। जी रंजीत जी, तो ये मतलब जो आप कह रहे हैं वो तो मतलब एक एक समझिए कि एक डिवाइड है, एक डिवाइड है, दो अलग अलग सीमाएं हैं। एक तरफ है जी कि हाँ, मानता हूं कि कुछ संभ्रांत स्कूल हैं या जो अच्छे शहरी स्कूल हैं उनको ये व्यवस्थाएं आसानी से मिल जाती हैं, या जैसे आपने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ मतलब आयाम ऐसे हैं जो इसको टच करते हैं जी कि थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे दें, या फिर स्किल ट्रेनिंग हो जाए, या फिर एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी स्किल पे बहुत जोर दिया गया है, जी स्किल ये होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप जो एक बात कह रहे हैं कि ये गैप जरूर है कि मतलब उसके पास जो एंड यूजर है या जो बच्चा है उसके पास ये अनुभव नहीं है, या ये विकल्पों का पिटारा नहीं है जिसमें से वो एक मतलब अगर एक मिस करता है गाड़ी तो दूसरा को पकड़ने का उसके पास वो चीज नहीं है, वो थोड़ा जी मतलब डिप्रेशन में जाता है या सोचने लगता है कि क्या करें आगे। बिल्कुल जी तो जो इसमें जो मेरा आइडिया इसमें ऐसा था कि अगर एक बच्चे को मतलब क्लास 8, 9 ऑनवर्ड्स जो है, उनका हर साल पांच या 5-6 जो है, उनको डिफरेंट डिफरेंट जॉब के बारे में अगर बताया जाए उनको, कि ये जॉब्स होती हैं, इसमें ये स्किल लगता है, तो अभी लोग कहते हैं कि तुम्हारा जिंदगी है, योर लाइफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू चूज योर कैरियर, पर हमारे पास अगर दो ही चॉइस ही दे के बैठे हैं कि मेडिकल इंजीनियर, देन यू चूज इट, तो बहुत वो डिफिकल्ट है सर ना। हाँ तो मतलब बेईमानी जी हाँ, हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमें, मैं क्या कहता कि छोटे जॉब से लेकर के बड़े जॉब्स तक, मतलब स्टैंडर्ड जॉब्स,
सबके बारे में बच्चे को, जैसे कि अगर एक बच्चा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, क्लास 12 कंप्लीट करता है, तो 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 साल में जो है बच्चे को, जो है 4 साल में जो है बच्चे को करीबन 20-25 जो है जॉब के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये जॉब होती क्या है, लोग कैसे काम करते हैं, और क्या रिक्वायरमेंट लगती है, क्या स्किल लगता है, इसमें कितना मैक्सिमम सैलरी कमाई जा सकती है, जी और मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, है ना। तो अगर उनको ये पता रहती है तो देन डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल, देयर इंटरेस्ट, देयर स्किल, दे कैन चूज द डिफरेंट डोमेन्स। कई बार ऐसा देखा गया कि एक व्यक्ति जो है वो एक जॉब ज्वाइन करता है, पर जो डेली रूटीन है जॉब का उसको पसंद नहीं आता उसको, है बिल्कुल ना। एंड देन ही ट्राई टू स्विच द जॉब, मुझे ये रूटीन पसंद नहीं आ रहा। कई बार लोगों को देखा गया कि दे आर रेडी टू वर्क इन लो सैलरी इफ दे एंजॉय द वर्क, यस है ना। तो एग्जैक्टली हाँ, अगर वह तो वर्क वो एक बहुत बड़ा मतलब ग्लिच है, या कहिए कि समाज का एक एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिसमें कि आप बंधे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब करियर को देखा जाता है, हो सकता है स्वाभाविक रूप से मतलब आगे आप जब बढ़े तो आपको पता चले कि ऐसा नहीं है, मतलब एक मिथ्या एक है कि समाज के ढांचागत व्यवस्था में आपको सेट होना है, ये जो है। और वो ढांचागत व्यवस्था में सेट होने का मतलब है कि जो 9 to 5 का जॉब है उसी को बहुत लोग जॉब मान के बैठे हैं, कि यही काम करने का ढर्रा हो सकता है या यही काम करने का तरीका हो सकता है, और मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या कुछ जो क्षेत्र है उन्हीं पे सिर्फ फोकस है। लेकिन उसके अलावे जो असंख्य करियर और असंख्य अपॉर्चुनिटी है, कह लें कि कोडिंग हो या पेंटिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो या पेटेंट एनालिस्ट का काम हो, या बहुत सारे ऐसे जॉब ऑफशूट्स हैं जिसके बारे में सच में या मतलब समाज के डिफरेंट वर्गों को पता नहीं है। हो सकता है कि कुछ जो स्कूल बड़े शहरों में है उनको थोड़ी एक्सपोजर हो, लेकिन इस तरह का एक्सपोजर नहीं है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। जैसे मैंने अभी एक स्कूल है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, तो मतलब मैं स्कूल में बात करने गया था, तो मेरे बच्चों के लिए, तो वो कह रहे थे कि हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो मैंने क्या सिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को हम ड्रामा सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, और बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। और मैंने कहा और क्या सिखाते हैं बच्चों को, बोलते और क्या चाहिए आपको, मतलब हम गेम सिखाते हैं, है ना। और इसके वजह से उनकी फीस जो है बाकी स्कूल से 3 गुना फीस है। तो कुछ प्रयास किया स्कूल ने, मतलब डांसिंग, एक्टिंग और ऐसे सिखाना, लेकिन फिर भी जो है वो सारे जो नॉलेज जो जो दे रहे हैं ना, उसमें कैसे लोग हैं जो टीचर्स ही मतलब हैं, कहीं कहीं से पढ़ करके देते हैं। बिल्कुल जैसे कि मैं अभी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो टीचर्स हैं वो पैटर्न का नॉलेज उनको देते हैं। और टीचर ने मुझे ये कहा कि प्रेम, हमको पैटर्न के बारे में कुछ ही पता नहीं है, हम लोग जो है गूगल में पढ़ पढ़ के उनको जो है ये नॉलेज देते हैं हमको, तो जी हम भी श्योर नहीं कि हम जो दे रहे हैं वो बराबर है कि नहीं बराबर है, और फिर हमको बताते हैं जो भी हमको नॉलेज देती है, पर जी इन डेप्थ हमको इन एंड आउट बता नहीं सकते उनको क्या कैरियर ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है उनको, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एक दो जगह, एक दो बार टॉक देने के लिए, बात करने के लिए बच्चों से। तो जी उन्होंने कहा कि उनका भी गवर्नमेंट का निर्देश है कि सभी बच्चों को पैटर्न के बारे में बताई जाए, जी तो इस तहत वो बताई जाती है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वर्किंग प्रोफेशनल इन्वॉल्व हो टीचिंग में, जैसे हम बात करते हैं कि गैप बिटवीन एकेडमिक इंडस्ट्री, तो जनरली वो गैप को कम करने के लिए आरएनडी की जाती है, आरएनडी में लिया था, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में कैसे किया जाए। जी अगर हम आज की दुनिया देखें हैं तो जो बेसिक जो सिलेबस पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सप्लोरेशन, और जो एप्लीकेशन आज जो मार्केट में चल रहा है, बहुत गैप है, मतलब ज्यादा बहुत गैप, बिल्कुल गैप। जी गैप को कवर करने के लिए मतलब मुझे लगता है कि बच्चे को जो है ना, जो 9 महीने पेट में रहते तब से स्कूल शुरू करना पड़ेगा। जी मतलब इतना मतलब ज्यादा हो गया। अभी मैं देखता हूँ कि क्योंकि एक ये भी है कि प्रेम की आप देखिए कि जो भी व्यवस्था से निकलते हैं, तो मैं हमेशा जो स्किल रिपोर्ट आता है या ऐसा गवर्नमेंट का सर्वे होता है, तो उस पे एक एम्प्लॉयबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह रहता है कि भाई जो कन्वेंशनल कोर्सेज करते हैं उन वो इम्प्लॉयबल नहीं है, दे आर नॉट इन, तो उनको उनके पास स्किल सेट की कमी है। ये हमेशा एक बड़ा प्रश्न रहता है, और इसको पाटने के लिए मुझे लगता है कि जो ये एक मॉडल है कि आरंभिक अवस्था में ही आप उनको एक्सपोज कर दीजिए, सिर्फ एक्सपोज ही नहीं कीजिए, उनको थोड़ा
उनके उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने का कोशिश कीजिए कि आपको इतने सारे विकल्प हैं, इस विकल्प में से आपको जो आप मतलब जो जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि पैशन और प्रोफेशन में मिसमैच है। अगर आप पैशनेट है कोई चीज को लेके तो वो काम जब आप करेंगे तो आपको जो बियॉन्ड टाइम आप जा सकते हैं, आपको समय का एहसास नहीं होगा, आप उसको हंसी खुशी से कर सकते हैं जैसे कोई म्यूजिशियन है या पेंटर है। लेकिन एक फोर्स्ड थोपा हुआ जॉब जो रहेगा आपके ऊपर वो हमेशा आपको स्ट्रेस देगा। तो इस तरह का जो एक सामाजिक ढांचागत बदलाव जो चाहिए, पैरेंटल थिंकिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमको लगता है, या पीयर प्रेशर और समाज का जो एक ढांचा है तो उसमें हमको लगता है कि ये मॉडल बहुत ही सटीक बैठता है कि आप स्किल तो दीजिए ही, उनको एक्सपोजर दीजिए और उनको मतलब एक ऐसा ढांचागत व्यवस्था बनाइए जिसमें कि नॉलेज एक्सचेंज फ्लरिश कर सके। जी वो आपके मॉडल का मुझे लगता है कि खास बात है जी जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। हाँ और इसमें मैंने क्या देखा सर कि ये जो इंट्रक्शन है ये गवर्नमेंट के तरफ से आएगा, हम इसकी आशा नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि अगर मुझे गवर्नमेंट कहे कि प्रेम आप ये चार स्कूल है इसमें आपको जाके एज ए डेटा एनालिस्ट उनको ट्रेनिंग देनी है, तो मैं जी कहूँगा मुझे कितना पैसा मिलेगा। बिल्कुल तो जनरली ये बात आती है, गवर्नमेंट कहेगा तो हमको पैसे की बात आ जाती है हाँ ना। और अगर आप जो है खुद से कुछ करना चाहते हैं देन ऑल्सो इट इज सम लाइक बिकम्स अ बैरियर समटाइम, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है नहीं है। तो जी हमें क्या है कि एज ए वर्किंग प्रोफेशनल का जो लोग हैं उनको खुद से वॉलेंटियर करके मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर जी वो सर्विस दे अपना, मतलब अगर स्कूल में खुद जाके ऐसा बोले कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ और जी बच्चों को मैं थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। मतलब अभी का सर कैसा है कि जैसे मेरा बेटा जो है 2 साल का है एंड उसको पता है कि यूट्यूब का आइकन कैसा होता है, जी जी क्योंकि मुझे मोबाइल ऑन करके देना होता है एंड हाँ ही फाइंड्स आउट द यूट्यूब चैनल कौन सा है, जी उसको वो दबाता है, उसको खोल लेता है एंड देन अगेन ही ऑल्सो नोज के बीच में अगर ऐड आता है तो क्रॉस पे दबाना से वो ऐड खत्म हो जाता बिल्कुल है सही ना। कहा जी और उसके बाद में उसको ये भी पता है कि वॉइस वाला होता है, आप उसको बोलिए तो हाँ वो आ जाएगा, मतलब वो है ना। तो जी जी देखिए ये जो नॉलेज है सर, ये जो नॉलेज है इसको जी अपने स्टेप बाय स्टेप देने से ना बहुत डिफिकल्ट है। पहले हाँ आप बच्चे को मोबाइल ऑन करना सिखाइए स्टेप 1, फिर मोबाइल ऑन कर आपको उसको बहुत सारे आइकन के बारे में बताइए, जी वो कैसे ट्रांसफर करेंगे नॉलेज बच्चे को बताइए। यूट्यूब का लिंक होता है वो चैनल में क्लिक करना पड़ता है, ये 2 साल के जी बच्चे कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो जी कहना मतलब ये कि आजकल का जो एजुकेशन एजुकेशन और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसमें इतना गैप हो गया सर कि जी आप स्टेप बाय स्टेप करके अगर सोचें तो बहुत डिफिकल्ट है, हाँ लेकिन अगर आप एक बच्चे को जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल के साथ में बैठा दीजिए, जी ही डज हिज वर्क एंड ही जी जस्ट वॉचेस हिम है जी ना, एंड जस्ट बीच में कुछ जी कैजुअल क्वेश्चन पूछा इधर देखा एंड ही कैन डेवलप हिज ऑन मेथोलॉजी जी टू वर्क इट अराउंड। ही मे नॉट बी जी परफेक्ट बट ही जी नोज हाउ ही वर्क्स, व्हाट आर द स्टेप्स ही फॉलोज एंड क्या जी करता है, एंड देन जी उसको एक छोटा सा काम दे दिया हमने कि देखो जी तुम ये काम करके तो मुझे दे दो मुझे करके, एंड देन ही डज समथिंग एंड देन ही इज अवेयर कि अरे इसमें तो कोई डिफिकल्ट काम नहीं, मुझे इतना काम करना होता है। जी तो उसमें कुछ बच्चे होंगे कि नहीं मुझे इतना दिमाग वाला काम नहीं करना है, तो चलो कोई इजी वाला काम करते हैं। तो आइडिया ऐसा है कि एक बच्चे को जो है बचपन से जो है ना एक लॉयर के साथ बैठाना चाहिए, ही गिव्स इन जी लॉयर, एक फाइनेंशियल मॉडलर जो होते हैं उनके साथ बैठाना चाहिए, ही गिव्स इन जी दैट है ना। इवन की जो दुकान कैसे खोलनी है, अगर हमने बहुत पढ़ा लिखा कर लिया दुकान भी खोलना आना चाहिए हम लोग, कोई बुरी जी बात नहीं है दुकान चलाना। जी आजकल लोग दुकान चला के जो है करोड़पति बना है, अगर पैसा कमाने एम है तो दुकान से बहुत करोड़पति बनते हैं है जी ना। जिस तरह से हम ट्रेडिशनल बात करते थे कि जो जूता सीते हैं बहुत जी गरीब होते हैं, जी लेकिन देखिए एडिडास नाइकी वो क्या करते हैं, जूते कंपनी है, जी जी उन्हें करोड़ करोड़पति कंपनी है ना। फिर जी जैसे कि जो दुकान चलाते गरीब होते हैं, लेकिन देखिए रिलायंस मार्ट, डी या मार्ट जी है ना, बिग बास्केट, ये सब क्या करे, ग्रोसरी सेल करे सारी कंपनी, जी तो कितना मतलब कि फ्लोरिश सारी कंपनियां हैं, कितना प्रॉफिट करती हैं और जी कितना जो भी मॉडल है उनका है। तो पहले तो ये जो हमारा साइकी बना हुआ है कि कोई भी प्रोफेशन कुछ बड़ा है कुछ छोटा है कुछ, ये भी एक बहुत बड़ा हमको लगता है कि बॉटल नेक है कि काम कोई भी छोटा नहीं है। आप अगर उसमें नया सोच को इन्फ्यूज कीजिएगा तो उसका जो आयाम है उसके डायमेंशंस बहुत ही व्यापक हो सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मतलब जो बड़े स्टोर्स भी हैं तो ग्रॉसरी ही तो बेच रहे हैं, कर क्या रहे हैं,
जी या जूता को प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने वाले जो कंपनी है वो कैसे मतलब काम करते हैं। तो ये बिल्कुल ही आवश्यक होगा कि, मतलब कि अगर आप एक ऐसे समय पे आप वो इन्फॉर्मेशन इन्फ्यूज कर दीजिए, जैसे आप कहे कि स्टेप बाय स्टेप जो सिक्वेंशियल लर्निंग है वहां पे काम नहीं करेगी, आपको पैरेलल में एक साथ नॉलेज देना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है उस अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो ग्रास्प कर लेगा, उसके नए विधाओं को जानने का प्रयास करेगा, और जो जी नहीं कर सकता है वो भाई वो दूसरे विकल्प के लिए बढ़ेगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि ये एक मतलब ये एक जो नई शिक्षा का उद्गम होगा उसमें ये व्यापकता होनी चाहिए, ये तर्कसंगत भी होना चाहिए उसको कि भाई वो बच्चे इस चीज को समझ सके, उसको आत्मसात कर सके, ये सब जो विचार हैं डिफरेंट तरीके से जो आ रहे हैं। और मेरी पिछली बार एक मतलब शिक्षाविद से बात हो रही थी जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफी सारे उन्होंने चलाए, तो उन्होंने एक बात कहा है कि आज के बच्चे जो जनरली हैं वो दे हैव बिकम मोर लाइक यूजर, दे आर नो मोर क्रिएटर। ज्यादातर लोग हैं जैसे आपने कहा कि फेसबुक ये क्या यूट्यूब के बारे में कहा कि भाई उसको पता है कि कैसे घसकाना है करना है, लेकिन अगर कोई ऐप डेवलपमेंट करना है या कोई कार्य करना है तो उसमें उनकी जो जानकारी है वो प्रायः कम होती है। तो वो वाला जो है क्रिएटर वाला जो स्किल है उसको भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोजर है जो जिसकी मॉडल लेके आप बढ़े हैं वो उसमें सहायक हो सकता है। तो ये हमारा मॉडल था जी। तो इसमें जैसे कि मैंने कुछ और जो सर्वे किया था हमने, तो नॉन चीज़ें थी जैसे कि स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस टॉट इन डेप्थ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल व्हिच इज़ नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन माय करंट वर्क प्रोफाइल। तो ये हमने क्वेश्चन पूछा था इन लोगों से जो वर्किंग प्रोफेशनल थे। तो जैसे कि 27% डिसएग्री कर रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि उनका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाया था उनका काम हो रहा है। तो मे बी दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल लाइक डॉक्टर्स हैं या फिर इंजीनियर्स हैं जो कि जो उन्होंने पढ़ा है उनको काम आ रहे हैं उनको, है जी ना। लेकिन फिर भी जो है आप देखिए 50% जो फुली एग्री एंड 90% न्यूट्रल, जो कुछ कहना कंफ्यूज है, मतलब जी उनको समझ में नहीं आया कि यूज हो रहा है कि यूज नहीं हो रहा, दे आर टोटली कंफ्यूज। तो जी ये जो बहुत बड़ा परसेंटेज है आप देख रहे हैं कि वो मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि उतना यूजफुल नहीं रहा जी मतलब हमारे प्रोफाइल में। जी तो मैंने भी अभी रिसेंटली एक इंजीनियर से मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उनसे बात कर रहा था। ही इज 95 पास आउट, ही इज अच्छा अ सिविल इंजीनियर। तो जी वो भी ये कह रहे थे कि उनके टाइम में थे और अभी के टाइम में भी चीज़ें सेम रही है कि कोई भी अगर बंदा ज्वाइन करता है कंपनी उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, जी जब काम आके सीखते हैं तभी उनको नॉलेज आगे बढ़ती है मतलब, जी है ना। लेकिन इतनी बेसिक थ्योरी पढ़ाई जाती है कि प्रैक्टिकल का चांस रहता नहीं और हम समझ नहीं पाते कि कैसे किया जाए। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमें क्या करना चाहिए कि उनको उनके साथ डाल देना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि जी जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनका पास मेडिकल शॉप है, तो जी उनका जो छोटा बेटा था वो मेडिकल शॉप में रह गया वो, एंड अभी तो उसको सारा मेडिसिन का नाम वगैरह बहुत कम एज में सारा याद हो गया उसको, क्या जी मेडिसिन लगती है नहीं लगती है। तो अभी वो दोबारा से बी फार्मा एग्जाम दे रहे, तो मैंने देखा कि उनको सारा नॉलेज है, कभी उन्होंने बी फार्मा कभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन सारे मेडिसिन का नाम, उसका कंपोजिशन क्या करता है नहीं करता है सारा उनको जानकारी है बिना बी फार्मा पढ़े हुए, है जी ना। कैसे, क्योंकि वो मेडिकल शॉप था उनका, उसमें काम करते करते सारा नॉलेज उनको मिल गया उनको। जी तो उसी तरह से अगर हम बच्चों को ना मतलब ऐसा मौका दे, फिर मेरा कहना है कि अगर हम एज ए वर्किंग प्रोफेशनल अगर लोग स्कूल कॉलेजेस में थोड़ा अपना टाइम मतलब जाएं, आजकल तो वर्चुअल है ऑनलाइन है, आप जी जा करके कुछ सेमिनार कीजिए, थोड़ा टॉप दीजिए, या फिर हम एक कुछ लोग कुछ ग्रुप बनाएं, कुछ फॉर्म करें और दें, ग्रुप के जी साथ आगे बढ़ें कि हम ये बच्चों को देना चाहते हैं। जी और इस तरह से बच्चों में ना काफ़ी चीज़ सिखाई जा सकती है, यानी कि 8 से लेकर के 12 तक बच्चों को 20-25 जॉब के बारे में जानकारी हो, जी और उसके बाद जब 12 के बाद जब डिग्री कर रहे हैं, जैसे कि खास करके जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं गए हैं, जो जी बेसिक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, जी तो उन लोगों को भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताई जाए और उनका इंटरेक्शन बढ़ाए। जैसे कि अभी मेरे बहुत सारे रिलेटिव से जो मैथ और स्टेट्स कर रहे हैं, तो जी मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैथ एंड स्टेट्स है उसका डाटा साइंस में बहुत रोल है। जी अगर आप मैथ और स्टेट्स आपका स्ट्रांग है और जी आप डाटा साइंस में केवल पाइथन ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो यू बिकम वेरी स्ट्रांग, मतलब फार स्ट्रांगर देन एनी बीटेक और एमटेक स्टूडेंट।
क्योंकि आपका ऑलरेडी स्टेट्स स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, आपको केवल प्रोग्रामिंग सीखनी है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जी ये डाटा साइंस वाले लोग भी मुझे कह रहे थे कि हाँ उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है, पर जब मैं उनसे बात करता हूँ उनको कुछ ही पता नहीं है। दे ओनली नो कि बीएड करेंगे क्योंकि मैथ्स और स्टेट का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स हाँ का जॉब रहता है, जैसे हाँ बहुत सारे कंपनीज में स्टैटिस्टिक्स का जॉब रहता है, पर जी उनको क्लैरिटी नहीं है उस जॉब के बारे में। तो उन्होंने क्यों चुना है, हमने पूछा उनसे आपने क्यों चुना है मैथ्स और स्टेट्स पढ़ने के लिए, बोले कि हम इसमें अच्छे थे और सबने कहा कि चुन लो तो हमने चुन लिया हमने, लेकिन बाकी फिर आगे करियर के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है ना। जी फिर जैसे हमने बहुत सारे एमएससी केमिस्ट्री से बच्चों से बात किया स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज जी में, तो वे कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, तो हम पीएचडी करेंगे, फिर रिसर्च करेंगे, टीचिंग में जाएंगे। तो उनके पास दो ही विकल्प हैं, टीचिंग या रिसर्च। अगर वो दोनों में से कुछ नहीं हो पाता है तो वो लोग कहीं छोटे छोटे कोचिंग क्लासेस है ये सब में ज्वाइन करते हैं। पर जी एमएससी और बीएससी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुले पड़े हैं उनके पास में, उनके बिल्कुल जानकारी नहीं है, एज ए कैरियर पता नहीं है। तो उनको भी अगर हम अगर अप्रोच करें, उनको बताएं कि हाँ ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं करने के लिए, और असंख्य ऑप्शन है, लोग अगर बात करते हैं तो इट बिकम्स रियली मतलब फ्रूटफुल सबके लिए। तो जो मेरा मॉडल था, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था उनसे कि द करंट स्कूल सिलेबस इज नॉट इनफ टू मेक ए स्टूडेंट अर्न इज बेसिक एक्सटर्नल लिविंग। तो जी देखिए सभी लोग डिसएग्री तो कुछ है ही नहीं, मतलब सभी हाँ लोग मोस्टली एग्री कर रहे एग्री हैं, करते हैं। है ना। तो सर जैसे कि आप बता रहे थे कि अगर हमारा जो वर्क है वो हमारे लिए कैसा होना चाहिए, अगर मतलब कि अगर हम कुछ अर्निंग का सोर्स हमारे पास में है, देन हमारा पैशन को उजागर करने के लिए हमें बहुत चांस मिल संभावना है। सकती है, हाँ बहुत संभावना रहती है। जी लेकिन अगर मेरे पास कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है तो फिर क्या होता है कि मेरा सारा जो पैशन को छोड़ करके हमें अर्निंग करनी पड़ती है। जी जैसे कि एक जब मैंने कोड पढ़ा था उसमें लिखा था कि व्हाट इज सैलरी। तो कहते हैं कि सैलरी इज ए सिस्टम सो दैट यू कैन स्टॉप योर ड्रीम्स। आप अपना जो है अपना सपने देखना छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपने सब कुछ छोड़ दीजिए, और वो जी छोड़ने ही कीमत है सैलरी। जी मतलब अगर आपका बहुत सारा अगर आपका ख्वाब था, मतलब कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ कुछ करूँ, लेकिन आप सब छोड़ दीजिए, ये सैलरी पे काम कीजिए मेरे लिए बस, जी जी है ना। तो इस तरह से है। तो बिल्कुल मतलब कि क्या है कि अगर अगर हमें कुछ ऐसा सिस्टम हो कि बच्चे जो है अगर काम भी कर सकें और पैसे भी कमा सकें, तब उनको क्या होगा कि उनको जो बेसिक लिविंग का है, मतलब अगर मान लीजिए कि एक बच्चा, एक सिंगल बच्चे को रहना है, उसको मतलब पेरेंट्स को अपने पर नहीं डालना है, लेकिन अपने खुद का जो पढ़ाई का खर्चा थोड़ा बहुत और डेली खाने का पैसा है और थोड़ा सा आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट का पैसा भी चाहिए, तो जी वो सब का पैसा मिला के अगर उसको कुछ पैसा मिल जाता है उसको थोड़ा काम करके, देन ही जी हैज लॉट मेनी स्कोप टू मतलब चेक करना कि मेरा जो इंटरेस्ट है कैन दिस बिकम माई पैशन, मैं अर्निंग्स होती है। बिल्कुल तो वो संभावनाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि सभी को आईआईटी में झोंक दिया जाता है, सभी को मेडिकल में झोंक दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है खाली मेडिकल और इंजीनियर ही चलती है, मतलब खाली दो ही लोग काम करते हैं मेडिकल इंजीनियर, है ना। फाइनेंशियल भी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आप देखेंगे कि लोग आईआईटी में पढ़ने के बाद दे डू एमबीए इन फाइनेंस एंड गो टू फाइनेंस, टेक्निकल कुछ काम ही नहीं करते, फाइनेंस जी का जी काम करते हैं, वो एचआर ज्वाइन करते हैं लोग, है ना। जी वो जो टेक्निकल पढ़े जितना इनडेप्थ टेक्निकल मैथ फिजिक्स इतना स्ट्रांग रहता है, केमिस्ट्री इतना स्ट्रांग रहता है उनका, उसका जी यूज नहीं है, है ना। वो जो मतलब कि जो सब्जेक्ट का यूज नहीं है। तो एक सर्वे आया था उसमें कहा गया था कि 85% ऑफ पीपल दे आर इन टू प्रोफेशन वेयर देयर बेसिक स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जी जो जी बेसिक स्किल्स था उसके अलावा किसी जॉब में काम करते हैं लोग। मेरा भी कुछ इसी तरह से है, जो मेरा भी जिसमें पीएचडी जिसमें किया था, मतलब लोग जनरली जिसमें पीएचडी करते हैं उनका जॉब उसी एरिया में रहता है, जी पर मेरा पीएचडी से जॉब मेरा नहीं है, बल्कि मेरा एमएससी से मेरा जॉब है, और वो जी भी बढ़ करके जो है टेक्नो लीगल डोमेन में चला गया मेरा। तो जी जी मैं बेसिकली साइंटिस्ट का काम भी नहीं करता, पर आई एंजॉय माई जॉब। तो लकीली जो है मुझे ऐसा जॉब मिला जो मुझे एंजॉय अलॉट कर काम करने के लिए, पढ़ने मुझे बहुत मिलता है। तो मतलब कहने का है कि मुझे भी इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऐसा कोई जॉब एग्जिस्ट करता है जब जी मैं पीएचडी कर रहा था। जी तो ये पॉसिबिलिटी है अगर वर्किंग प्रोफेशनल इंटरेक्ट करें बच्चों से, या फिर स्कूल वॉलंटियर करके जाएं वहाँ थोड़ा जी बात करें उनसे, अलग अलग तरह के लोग जाएं, तो इट बिकम्स वेरी इजी। तो दूसरा था जो कि स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड स्किल बेस्ड एजुकेशन अलॉन्ग विद द बेसिक एजुकेशन टू हेल्प देम अर्न हिज बेसिक लिवलीहुड
एट एन अर्ली स्टेज बिकम सेल्फ डिपेंडेंट फॉर फ्यूचर स्टडी बिल्कुल लाइफ, जी ये उनको हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे एक मित्र हैं, तो उनका एक बेटा है, ही वेंट टू फॉरेन कंट्री, तो मैंने पूछा कि उसका फीस कैसे मैनेज होता है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि फीस के लिए मुझे उतना बर्डन नहीं है क्योंकि ही इज वर्किंग पार्ट टाइम। तो एग्जैक्टली वो क्लास 12 के बाद बाहर गया है, वो जो है ना क्या फोटोग्राफर है वो, ठीक है, मतलब फोटो खींचता है और उसको उसे अर्न करता है। तो जी ही इज इन फॉरेन कंट्री यूनिवर्सिटी एंड ही इज लाइक अर्निंग एंड देन ही इज डूइंग स्टडी। तो क्लास 12 के बाद उसका जो अपना जो कोर्स का जो थोड़े पैसे हैं, ही इज एबल टू टेक इट आउट, है ना, ठीक है, ही इज एबल टू टेक इट आउट एंड देन उतना बर्डन नहीं है, उनके पेरेंट्स से बर्डन नहीं है जी और किसी पे बर्डन नहीं है, है? तो मुझे अच्छा लगा मॉडल करने के लिए कि ऐसा अगर हो तो इंडिया में कितना यार, अच्छा मोस्ट रहेगा। ऑफ द स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने आते हैं, मैंने वो जज्बा देखा, या नहीं भी उनमें होता है वो जज्बा, तो वो डेवलप हो जाता है यहाँ आके, कि वो अल्टरनेटिवली पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, ताकि उनके जो प्रेशर है पेरेंट्स पे करने का, या लोन को रिपे करने का, वो थोड़ा कम रहे। जी, तो मतलब मेरा आइडिया ऐसा है कि अगर अगर एक कंपनी अंडर CSR हेल्प करना चाहती है, तो व्हाई डोंट दे डिवाइज अ मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने लोगों को पूछा था, ये तो एक मेंटर का क्वेश्चन था कि जिसमें लोग दे फील कि मेंटर चाहिए हमको लाइफ में, है ना, तो हाउ द वर्क एक्सपीरियंस टू डिफरेंट बैकग्राउंड टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल यूटिलिटी ऑफ देयर स्टडी, इन्होंने मेंटर की बात की थी। और मैंने एक और क्वेश्चन लोगों से पूछा था कि क्या आपके काम जो है शेयरेबल है कि नहीं, ठीक है, मतलब कि अगर एक बच्चे को 2 मिनट ट्रेनिंग दे करके अगर उनको जो है काम कराया जाए उनसे, तो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं, बहुत सारे काम डाटा एंट्री के काम होती है ना, तो क्या कंपनीज अंडर CSR एक्टिविटी को ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस नहीं कर सकते जिसमें कि वो बच्चे को 1-2 मिनट ट्रेनिंग देकर के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो काम करवा के दे, पे समथिंग, है ना। तो हाँ, मतलब अगर इंटर्नशिप का कोई मॉडल हो सकता है, या छोटा सा रेमुनरेशन का मॉडल हो सकता है। हाँ, तो उसमें क्या अगर बच्चे पढ़ाई भी जी, कर रहे हैं दे अर्न ऑल्सो, है ना। मुझे लगता है कि कुछ कंपनियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन व्यापक रूप से उनका जो पेनिट्रेशन है वो सभी स्कूलों तक नहीं है। जी, कुछ कुछ जगह पे ऐसा है संभावना कि ऐसा हो पाता है, और ये बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है कि ये सेंस ऑफ हाउ यू अर्न, कहाँ से पैसा आता है, ये भी बहुत जरूरी है आपको एक मतलब जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप ये समझे कि पैसा का जो फ्लो है वो कैसे होता है, मनी का जी जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी सही जो कहा जी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था लोगों को, जैसे कि आई हैड विजुलाइज माय करंट जॉब प्रोफाइल व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो सब लोग डिसएग्री कर रहे थे, स्कूल में ज्यादातर जब थे जी तो वो उनका जॉब का कुछ नॉलेज नहीं था। देन जी आई हैड मिनिमल आइडिया अबाउट डिफरेंट करियर पाथ टिल आई पास क्लास 12 एग्जाम, है जी ना। तो कुछ लोग एग्री करते हैं कि उनको बहुत मिनिमम आइडिया था, मतलब ज्यादा उनको आइडिया नहीं था, मतलब जी क्लास 12 पास करने के बाद उनको ज्यादा करियर बारे में पता नहीं था। तो दिस इज अ गैप वी शुड ब्रिज, मतलब एज ए बिल्कुल। वर्किंग प्रोफेशनल एक्चुअली को ये। हम लोगों के भी समय में एक बहुत बड़े, उस समय तो इंटरनेट और इतना व्यापक नहीं था, तो मुझे याद आता है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आता था तो हम लोग इम्प्लॉयमेंट न्यूज से करके रखते थे, कि चलो अगर बायोलॉजिकल साइंस आपने पढ़ा है इंटर में या +2 किया है, तो उसके बाद ऑप्शंस क्या है, और वो भी विकल्प बहुत ही सीमित रहते थे। लेकिन जब अब जब एक एक मतलब आप समझिए कि 2 दशकों में समाज में बहुत तरह नए तरह के जॉब, जैसे कि आईपी का जितना बड़ा बूम हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, या यह कहिए कि आर्ट को उस तरह से आज के डेट में नहीं देखा जाता है। आर्ट आर्ट एक बहुत बड़ा फील्ड है, या आप चाहे आप वीडियोग्राफी कह लीजिए या फिल्म मेकिंग कह लीजिए, आज मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में, या फैशन डिजाइनिंग कर लीजिए, तो बहुत सारे, या शू मेकिंग ही कर लीजिए। उसके मेरे एक मित्र हैं जिनकी अपनी कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली एक स्टार्टअप खड़ा किया है, और वो शू ही बनाते हैं, हालांकि वो फैशन टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि एक नीश मार्केट में उनकी एक जगह है, वहां पे वो कुछ दे सकते हैं, तो उन्होंने पूरा वो उपक्रम ही लगा दिया कि मैं ऐसा करूंगा। तो ये है कि संभावनाएं तो अनंत हैं, और उन अनंत संभावनाओं से अगर आप परिचय बहुत ही जो क्या कहिएगा जो इनिशियल ईयर है या फॉर्मेटिव ईयर है लर्निंग का, उसमें अगर आप करा दिए, तो
तो हमको लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर हो जी सकता है। जी और ये प्रयास मतलब आपका भले ही ये है कि कोइंसाइड किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही थी उसी समय आपकी पुस्तक आई, तो उस पुस्तक पे उतना लोगों का नजर नहीं गया जितना जाना चाहिए, लेकिन मेरे विचार से ये पुस्तक आज भी मतलब एक आधार स्तंभ देती है, एक वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक तो नहीं कहूंगा, ये सप्लीमेंट्री का है, विकल्प नहीं है ये, उसके साथ अगर जोड़ के देखा जाए तो ये जी मतलब और व्यापक और हॉलिस्टिक मॉडल देता है लर्निंग का। जी मतलब कि आइडिया ऐसा सर कि वो बच्चों को जो ना मतलब कि जो कोर्सेस हैं और जो जी एक्चुअल वर्ल्ड है जी उसमें गैप बहुत हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल। और उतना सारा नॉलेज जो है ना बच्चों में एक साथ डालना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो उपाय क्या है कि मतलब बहुत सारा चीजें ना हमको स्टेप बाय स्टेप ना करके देर नीड टू ए जम्प, बिग जम्प, बहुत जम्प करना है। मतलब कि अगर अगर कोई बच्चा ऐसा ऐसा आता है कि उसको बहुत ज्यादा कंप्यूटर वाले प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं है बट ही कैन राइट कोर्स है ना, सो इट इज वेरी गुड वेरी गुड अगर वो कोर्स लिख सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि मतलब स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप टू स्टेप करके उनको ड्राइंग नहीं सीखा उन्होंने बट दे कैन मेक गुड ड्राइंग। जैसे जी हम देखते हैं कि बहुत सारा टीवी प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आते हैं जिन्होंने कभी भी पारंपरिक रूप से म्यूजिक सीखा नहीं, उन्होंने नहीं जीवन सीखा है, बिल्कुल सीखा है बिल्कुल नहीं। तो जी अभी का जो जमाना है सर ना वो जंप का है, देर हैज टू बी जंप, यू कैन नॉट गो जी स्टेप बाय स्टेप। जी स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, 40 साल लग जाएगा बेसिक सीखने में, उसके जी बाद नौकरी करने जाएंगे, हाँ, है तो ना। वो मान लीजिए कि एक तरह का मतलब क्वांटम लीप जो है वो एक्सपोजर से ही आ सकता है, वो जो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं कहिए, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज कहिए कि आप मतलब सेल्फ ड्रिवन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो अगर आपको थोड़ा सा पुश किया जाएगा तो वो जो क्षेत्र है जिसमें आप पैशनेट हैं उसमें आप निकल पाएंगे आगे। मतलब जी आज का जो एज हो गया सर उसमें हमें बच्चों को ना स्टेप बाय स्टेप किताब से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी हमें उनको क्या करना चाहिए, उनको जैसे कि एक आपको आइडिया ऐसे एग्जांपल देते हैं कि बच्चे को हमने सिखा दिया कि देखो इस तरह से एक पैराग्राफ लिखा जाता है और इस तरह से एक सेंटेंस लिखा जाता है। अब जी उसको आप एक एक ऑथर के साथ रख दीजिए उसको आप, जी एंड देन ही लर्न हाउ टू राइट ए बुक, जी है ना। लेकिन जी आप पूरा उसको ये सिखाइए, फिर ग्रामर सिखाइए। अभी जैसे कि हम लोग की भी जो इंग्लिश है तो हमने स्कूल में ग्रामर सीखा था, जी पर मैं कहूँगा कि हम लोग अभी भी लिखते हैं और मैंने एक बुक भी लिखा, पर सर मुझे ग्रामर की नॉलेज ज़्यादा नहीं है। हमने ऐसे सेंस पकड़ पकड़ के इंग्लिश सीखी हमने, कि जी जी हम जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं बैठ रहा, कुछ तो भी इसमें वेंट होना चाहिए। आई गो ठीक नहीं लग रहा है ना, आई वेंट ठीक लग रहा है ना, आई वेंट टू मार्केट, आई गो टू मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे मतलब सेल्फ फीलिंग लेकर के हम इंग्लिश लिखते हैं, बोलते हैं और जी करते भी हैं। तो जी ये मतलब हम बहुत अच्छा इंग्लिश टीचर नहीं बन सकते, पर हमारा जो डेली वर्क है सब होता है इसमें, है बिल्कुल बिल्कुल ना। हम राइटर जी नहीं बन सके, कुछ नहीं हो सका जी और बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है अपने पीएचडी थीसिस लिखी, हमने बुक जी लिखा, सारे पब्लिकेशन लिखते हैं, आर्टिकल लिखते जी हैं, चीजें करते हैं। और जी आजकल के तो क्या है कि वर्ड है, गूगल है, सब हेल्प करे था आपको स्पेलिंग से ग्रामर से लेकर के, है हाँ, तो ना। मतलब ये है कि नए नए जो इनपुट्स आ रहे हैं या नया जो प्लेटफॉर्म या ढांचा तैयार हो रहा है उसमें पुराने विचारधारा से कन्वेंशनल टीचिंग काम नहीं करेगा, जी वहां पे जो आपने लर्निंग और का मोड होगा वो डिफरेंट होगा, वहां पे टीचर इज नो मोर अ टीचर, ही इज अ फैसिलिटेटर, वो आपको एक्सपोज कराता है डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट जगह से, और वहां से आप उठाते हैं चीजें। और अब तो मतलब हमको लगता है कि टीचर का रोल भी कितना, जब ये पोस्ट कोरोना सिनेरियो आएगा, क्योंकि बच्चे तो अब ऑनलाइन मोड में चले गए हैं, कि बहुत सारी चीजें जो भी पॉसिबल हो रही हैं वो ऑनलाइन होने लगी, तो जी वो जो एक फेज आएगा जिसमें टीचर जो है उसका उसका रोल को रीडिफाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि वो कैसा रोल हो। जी जी जैसे कि अभी जो डॉक्टर का भी रोल है ना, वो जी तो कितना चेंज होगा। डॉक्टर अभी जो है, पहले डॉक्टर को अपना मतलब कि नॉलेज और स्किल बहुत यूज करना पड़ता था एक पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। जी अब जो सारा डायग्नोसिस क्या है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हो गई है। जी 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 आपको बुखार नहीं है पर अगर इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है कि 100 है तो आपको मानना ही पड़ेगा आपको बुखार 100 जी है। लोग जी कहेंगे अरे तुम फील नहीं हो रहा है पर इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है ना तो बुखार है जी तुम। आपको अगर मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे बुखार बिल्कुल नहीं, मुझे कमजोर नहीं, नहीं बुखार है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है, जी
है ना, अगर आपको, अगर आप अगर आज टेस्ट करें आपको कोरोना पॉजिटिव रिजल्ट आती है, आपको जी मानना ही पड़ेगा कोरोना पॉजिटिव है, जी आपका मुझे सिम्टम दिया, आप एसिम्टोमेटिक हो पर कोरोना आपको सिम्टोमेटिक है, मतलब आपको है ना, रिपोर्ट में आ गया तो बीमार हो, मतलब आप अरेस्ट करो अभी आप, है ना। उस प्रकार से सर क्या केमिस्ट्री में ऐसी हो गई, केमिस्ट्री में मैं स्कूल में गया था, अभी कॉलेज में गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि बच्चों को अभी भी जो है छोटे छोटे स्टेप में ट्राइट्रेशन सिखाई जा रही है, और बच्चों को उस पर बेस्ट करके उनको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं, ट्राइट्रेशन करना होता है कि नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप जो मेरे जो फ्रेंड काम करते हैं कंपनीज में, उनको पूछा था ट्राइट्रेशन कितना इम्पोर्टेंट उनका लाइफ में, डेली जॉब में, बोलते कुछ नहीं है, वो तो मशीन करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो मशीन करती है उसको आप बहुत टाइट्रेशन सिखा रहे हैं, चीजें सिखा रहे हैं, और जब जॉब में जाएगा उसको लगेगा कि मैंने बहुत मेहनत किया है ना, मैंने बहुत सारे चार पांच प्रैक्टिकल क्लास लगा के मैंने टाइट्रेशन सीखा, उसको बहुत वैल्यू होगी। और जब वहां जाएगा तो देखा है तो कुछ भी नहीं है, सैंपल रखा है, मशीन डाला, वैल्यू आ जा रही है। फिर पूछता है आगे क्या करोगे आप, तो बोले मुझे लगा तो मेरा यही कोर स्किल है, टाइट्रेशन करना मेरा कोर स्किल है, उसको तो वैल्यू नहीं है उसकी अभी। जी तो ये इंसाइट कौन देगा, क्योंकि जी टीचर तो स्कूल में रहेगा ना, टीचर साहब वो तो 10 साल 15 साल 20 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जी उनको केवल सिलेबस ही पता है उनको, और बाकी जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं वो लोग भी सिलेबस को ही एनहांस करते हैं। जी तो यू एंड अप गोइंग इन इन इंटरव्यू और फॉर जॉब हैविंग 95% इन योर स्कोर कार्ड, एंड देन आप जो है जाते हो, फिर आपको लगता है कि मैंने जितना पढ़ा था वो तो 2 मिनट में खत्म हो गया सब कुछ। अब जी लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज व्हाट यू नो मैं एक्स्ट्रा, मतलब, और जब मैं काम करने गया तो काम का तो फिर सारा एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया, तो कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, है ना। अभी जो सारा एक्सपेरिमेंट डिजाइन तो कंप्यूटर करता है ना, सारा एक्सपेरिमेंट जो कंप्यूटर करता है, आपको खाली चार पांच व्हीकल चुनने चुनने होते हैं, इसमें से मैं कौन, जो हमारा भी डोमेन है अभी जो है हम जो काम करते हैं उसमें भी बहुत सारा डाटा साइंस और AI के यूज करके ना काफी चीजें हो गई, तो हमको लगता है कि हमारा फ्यूचर में जॉब कैसा रहेगा, गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 10 ईयर्स कैसे लोग काम करेंगे, उसको हम लोग बातें करते हैं। तो लेकिन जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि हम बातें कर रहे हैं मुझे, एंड दे आर गोइंग टू फॉर जॉब इंटरव्यू और जॉब ढूंढने जा रहा है, तो फिर जॉब में लोग कहते हैं कि आपको तो हम बहुत कम पैसा देंगे, क्योंकि हमारा तो आधा टाइम आपको सिखाने में जाएगा, 3 4 साल आप सीखिए उसके बाद आप अच्छा पैसे का सोचिए, क्योंकि आपको कुछ आता है ना कुछ भी करने के लिए। तो ना इंडस्ट्री कुछ कर रही है उसको कम करने के लिए, गैप करने के लिए, ना हम एज ए इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर सिटीजन ऑफ वर्ल्ड जो भी हम कह रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं ना, एज ए सोसाइटी हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा बुक के द्वारा यही मुझे कहना था कि हमें एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हमें अपना एक स्टेप लेना चाहिए, और हमें कुछ नहीं करना है, हमें बच्चों को जाकर के कुछ बेसिक नहीं सिखाना है, वी जस्ट गो हैव टू मूव आउट एंड शेयर आवर एक्सपीरियंस हाउ वी डू द वर्क। स्कूल में गए, कॉलेज में गए, जाके उनको बताया कि हम ऐसे काम करते हैं, एंड लेट देम थिंक वो क्या कर, जैसे कि मेरे बच्चे ने मोबाइल यूज कर देखे, मोबाइल सीख लिया है, और जैसे कि मैं कल कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और मैंने मेरे बच्चे से कहा कि अरे यहाँ हल्ला मत करो, लोग सुन रहे हैं, तो मुझे बोलती है पापा आप म्यूट पे हो, है ना। देखिए उसको इतना पता है कि आप कह रहे कि आप म्यूट पे हो ना, तो हमारी आवाज नहीं जा रही वहां पे, है ना। तो अगर वो 4 5 साल की बच्ची को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा व्हाट इज म्यूटिंग, व्हाट इज स्पीकिंग, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो मुझे तो बहुत समय लगेगा सीखने के लिए, पर वो देख के सीख गए ना कि ये जूम का लिंक है, इसको क्लिक करना है, इसमें लॉगिन देना पड़ता है, पासवर्ड देना पड़ता है, ओपन हो जाती है, तो कुछ करना नहीं होता। उसी प्रकार हमें क्या करना है कि वी जस्ट हैव टू गो टू स्कूल कॉलेजेस, इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, व्हाट यू डू डेली इन आवर वर्क, बस दैट्स ऑल। और बच्चे खुद पिकअप करेंगे, मतलब वहां से खुद पिकअप करेंगे, खुद चॉइस करेंगे, और उसमें हमें ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, पर एज ए पेरेंट्स, एज ए सोसाइटी हमें ऐसा माहौल बनाना है, क्योंकि भविष्य में जाकर अगर हम आज ऐसा माहौल बनाते हैं तो हमारे बच्चों को ऐसा माहौल फ्यूचर में मिलेगा। जी अगर हम वेट करेंगे कि कोई और बनाए, गवर्नमेंट बनाए, तो बहुत मुश्किल है सर। जी तो हमें जो है, हम चाहते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, बच्चे अच्छे निकले, तो हमें खुद ही प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद प्रेम, आपने बहुत ही विस्तार से बताया किताब के बारे में, और मतलब एक सार्थक सार्थक पहल भी है कि ये जो आपने जो सर्वे किया, एंड बियॉन्ड द सर्वे जो आया, जो मॉडल आया कि जो ये गैप है, गैप किस चीज में, गैप ऑफ स्किल, गैप ऑफ एक्सपीरियंस,
तो उसको जो एक्सेलरेटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ ले जाने की बात हुई या जो नए मॉडल की बात हुई, मुझे लगता है कि वो मतलब एक सार्थक पहल जरूरी है उसमें। उसमें स्कूल्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल जिसको जिसको आप जोड़ने की बात कह रहे हैं, वो सिर्फ सिर्फ खाली बस छू के ना निकले, सिर्फ वो थोड़ा सा ज्ञान दे के ना निकले, जो कि आपके मॉडल में बहुत ही विस्तार से आपने बताया भी है कि उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और क्या उसका प्रारूप होगा, जिसमें आप कहते हैं कि मतलब पहला तो है कि फर्स्ट, जिसको आप प्रथम जिज्ञासा या प्रथम जिज्ञासा की तरह से बताते हैं, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं कि बच्चे पहले जाने कि क्या क्या विकल्प हैं, उनके बाद अगर जो संभावनाएं निकल के आती हैं उन संभावनाओं में से संभव है कि उनमें से अगर मान लीजिए जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको फिर मेंटोरिंग किया जा सके। तो इसके बारे में जरा सा मतलब आप बताइए कि इसका जो बियॉन्ड बुक या बियॉन्ड बुक अब इसका क्या प्रारूप होगा, जैसे जो आपने ये सर्वे किया या ये काम किया, तो थोड़ा सा मतलब बताइए कि क्या करने जा रहे हैं या कैसे आप इसको थोड़ा मॉडल के तौर पे कैसे टेस्ट करेंगे। जी, तो जैसे इस पर टेस्ट करने के लिए हमने जो है हम सोच रहे हैं कि जैसे कि एक तो हो गया कि हमने कुछ स्कूल कॉलेज में टॉक दे दिया, हमने बच्चों से अपना इंटरेक्ट करने का दे दिया हमने। जी उसके बाद भी जो है एक मेंटरिंग की बात आती है, मतलब है ना, अगर बच्चे आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आगे कुछ जानना चाहते हैं, तो जी दैट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम किस प्रकार से बच्चों से इंटरेक्ट करें। और मतलब कि अगर हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं रेगुलरली और उनको हम एक नॉलेज देते हैं या उनसे अपना वर्क शेयर करते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एंड वी इंटरेक्ट देम ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 ईयर और 2 ईयर्स, है ना, सो दैट इज वन। एक बार हम अगर स्कूल में चले जाते हैं, बात करके आते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक जैसे कुछ ग्रुप बना करके और ये पहल करनी जी पड़ेगी, तो जी जाकर ही हमें इसमें सक्सेस मिल सकती है। मुझे और जो लगता है कि दूसरा, एक 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 आवश्यकता है कि एक टेस्टिंग मॉडल करके एक प्रयास किया जाए कि मतलब क्या इफेक्ट है, क्या फीडबैक है, क्या सोचते हैं लोग इसके बारे में, ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि बच्चों पर्टिकुलरली जिनको आप ये केटर कर रहे हैं वो इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। जी जी ये तो बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कई पेरेंट्स से मैंने बात किया इसके बारे में, तो जी जी पेरेंट्स का कहना ऐसा था कि जो पेरेंट्स काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं आज के डेट में जी जी और काफ़ी अच्छे कॉलेज से आए हैं जी और खासकर जो IIT से पास आउट हुए हैं, जी तो उनका जो विचार ये था कि नहीं, बच्चों को पहले सबसे ऊंचा बनने का एम देना चाहिए, उनको IIT में पास करना ही देना चाहिए। अगर वो IIT में पास नहीं होते हैं उसके बाद उनको दूसरे विकल्प सोचना चाहिए। लेकिन जी जो पेरेंट्स मीडियम वर्ग के थे उनका कहना था नहीं, आपका मॉडल बहुत अच्छा है जी और हमारे बच्चे को हर तरह का जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल अलग अलग आयाम है, हमको जब तक हम ग्राउंड में लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हमें उतना पता नहीं चलेगा, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो दूसरा जो पहलू था बुक्स का, उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम, जी लेकिन बिल्कुल उसमें डिस्कस जो नहीं किए हैं जो कि आध्यात्मिक पहलू रहा या जो स्किल्स थे और बियॉन्ड स्किल्स, जो देर आर सम स्किल्स विच आर नॉट बियॉन्ड जेनेटिक्स, जी का जी मैंने नाम दिया था स्किल्स बियॉन्ड जेनेटिक्स, जी जो कि जीन्स से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आप किसी भी जगह जन्म हुआ कैसे भी रहेंगे, बट यू कैन अर्न। सो जी अगर कोई इंटरेस्ट है, ही कैन रीड मोर इन द बुक्स, यस द बुक इज यस अवेलेबल ऑन अमेजन या एंड दे कैन परचेज इट। एंड इट्स नॉट हेविली प्राइज्ड, द बुक इज वेरी नाइस बुक एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी हु हैज इंटरेस्ट शुड गो टू अमेजन एंड बाय अ कॉपी ऑफ इट एंड इट्स अ वेरी गुड रीड एक्चुअली, वन शुड गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रेम प्रकाश हैज टू से। प्रेम आप आए और आपने हम लोगों को अपने पुस्तक के बारे में बताया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपकी जो आने वाली योजना है उसमें नॉलेरियंस पूरी तरह से आपके साथ है और आपके कार्य के लिए और आपका जो मॉडल टेस्टिंग है उसके लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी नमस्ते मच। नमस्ते।